सो है गाइस, वेलकम बैक टू डोगरा प्रोडक्शंस। मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आपने थंबनेल को देख के आइडिया लगा ही लिया होगा क्या होने वाला है आज। मगर जो इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरे साथ टच में रहें। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे भी जरूर फॉलो कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। इमेज के अकॉर्डिंग अपने आर्टबोर्ड का साइज चूज करने के बाद मेरे पास ये किसी कंट्री का टॉप व्यू इमेज है जो कि मैं ये बैकग्राउंड में यूज करने वाला हूँ। पहले मैं इसके साइज को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। एंड आई हैव दिस इमेज ऑफ दिस गाय एंड इन दिस वीडियो आई वांट टू शो यू गाइस हाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस गाय फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो मैंने इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इस बैकग्राउंड के साथ पूरा मैच करना है। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा एक्सपोजर पे और एक्सपोजर को मैं थोड़ा हल्का सा बढ़ा लूँगा, जैसे 0.39 कर देता हूँ मैं एंड ओके। फिर मैं करूँगा कर्व्स को एडजस्ट और कर्व्स में जाकर मैं शेडोज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और फिर मैं जाऊँगा कलर बैलेंस पे और कलर बैलेंस पे जाकर मैं रेड को थोड़ा बढ़ा दूँगा और येलो स्टोन को भी थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि इसके बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच कर जाए। अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ क्लाउड इफेक्ट। सबसे पहले मैं ब्रश लूंगा और ब्रश को मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। तो मैंने ब्रश सेलेक्ट कर लिया है तो मैं सिंपली इसका फ्लो कम कर दूंगा, इसमें थोड़ा लार्ज करके जहाँ जहाँ मुझे क्लाउड इफेक्ट चाहिए वहाँ वहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। और यही सेम लेयर को मैं इस गाय के ऊपर भी अप्लाई करूंगा ताकि ये थोड़ा और रियल लगे। सो अब मैं इसके बैकग्राउंड पर मोशन ब्लर फिल्टर दूंगा जो ये काफ़ी डेप्थ क्रिएट कर देगा हमारे इमेज में। सो मैं सिंपली एंगल -45 रख देता हूँ और डिस्टेंस रख देता हूँ 8। सो अब बारी है हाईलाइट्स की, तो मैं सिंपली एक्सपोजर को यूज़ करूँगा इसके लिए। तो मैंने एक्सपोजर को बढ़ाया है और मैं स्मूथली इस ब्रश को यूज़ करूँगा अपने ऑब्जेक्ट पर हाईलाइट्स के लिए जहाँ जहाँ मुझे लाइटिंग इफेक्ट चाहिए। हाईलाइट्स के बाद मेरे पास है ये बैक PNG और मैं बैक PNG को इस ऑब्जेक्ट के लेग के पास एडजस्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ जो इस ऑब्जेक्ट की लेग है वो इस बैक के स्ट्रैप से अंदर से निकले। सो उसके लिए मैं सिंपली लेयर मास्क को यूज़ करूँगा। देन लेयर मास्क को यूज़ करने के बाद मैं सिंपली ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं उसी पार्ट पे अप्लाई करूंगा ब्रश को जो पार्ट मुझे चाहिए। और इस बैग का भी मैं कलर बैलेंस, कर्व्स एंड सैचुरेशन को भी एडजस्ट कर देता हूं। और साथ ही साथ हम अपने ब्रश को स्मूथली यूज करेंगे शेडोज के लिए ताकि इसमें रियल लुक आए। और लास्ट में हम इस इमेज में इस गूगल PNG को एड ऑन कर लेंगे विद कलर एडजस्टमेंट्स के साथ। और लास्ट में फाइनल टच देने के लिए कैमरा रो फिल्टर को यूज करने के बाद ये रहा क्रिएटिव का फाइनल डिजाइन गाइस। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी और मजा आया होगा आपको ये वीडियो देख के। अगर एंजॉय किया आपने इस वीडियो को देख के तो आपको बस छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आप मेरे साथ टच में रहो। डेली मैं आपके लिए ऐसे एंटरटेनिंग वीडियो लाता हूँ। सो अभी के लिए बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी अगली न्यू वीडियो में।